और दिल्ली के खौफनाक श्रद्धा वॉकर मर्डर केस पर यहां पर बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल जो स्मृति ईरानी है केंद्रीय मंत्री, उनका बयान अब इस हत्याकांड पर सामने आ गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कातिल आफताब ने पहले ही कोर्ट में ये कबूल लिया है कि उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया, उसने ही श्रद्धा के टुकड़े किए और अलग अलग जगहों पर फेंके थे। हालांकि पुलिस ने अब तक इस हत्याकांड में 5 हथियार भी बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि इसी से आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए। हालांकि अभी भी वो हथियार जुटाना बाकी है पुलिस का, जिससे जो मेन हथियार माना जा रहा है, जो आरी बताई जा रही है, जिसे आफताब ने टुकड़े करने में इस्तेमाल किया था। लेकिन पुलिस अभी जुटी हुई है, पॉलीग्राफी टेस्ट भी जो है आफताब का पूरा हो गया है। लेकिन अब इस पूरे हत्याकांड पर बीजेपी की फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी हीट ऑफ द मूवमेंट में ये ऐसा टुकड़े नहीं करता है। यानी कि जिस तरीके से कोर्ट में आफताब ने कहा था कि हीट ऑफ द मूवमेंट में उससे ये सब हुआ है, उसने ये पहले कोई साजिश नहीं रची थी, ये बात आफताब की तरफ से कोर्ट में कही गई थी जब उसने अपना जुर्म कबूला था। अब उसी पर स्मृति ईरानी ने बोलते हुए ये कहा है कि कोई भी महिला को हीट ऑफ द मूवमेंट में छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटता है, साथ ही कोई भी उस महिला को लगातार पीटता नहीं है जिसे वे प्यार करने का दावा करता है या उसके साथ रिश्ते में है, या एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर बड़े पैमाने पर विस्तृत रूप से विचार करने की बेहद आवश्यकता है। लोग अपने घर की महिलाओं के खिलाफ भी बहुत हिंसा कर रहे हैं जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में आक्रामक रूप से रिपोर्ट की जाती है। इसलिए जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो साथ रहे कि पार्टनर्स भी जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा करते हैं उन पर भी चर्चा करने की बहुत जरूरत है। ये बड़ा बयान यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब ये देखा गया है कि घरेलू हिंसा का एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो केवल उन पुरुषों से संबंधित हो जो अच्छी तरीके से पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। ये शहरों में भी उतना ही सामान्य हो गया है जितना कि गांव में और पिछड़े इलाकों में। यानी कि ये बड़ा बयान यहां पर माना जा रहा है स्मृति ईरानी की तरफ से अब इस मुद्दे पर। हालांकि पुलिस अब इस मुद्दे पर जांच में जुटी हुई है, पॉलीग्राफी टेस्ट पहले ही हो चुका है, कबूल लिया है आफताब ने कोर्ट में। 5 हथियार, जो 5 चाकू बताए जा रहे हैं, वो भी मिल चुके हैं पुलिस को। लेकिन अभी भी मेन जो हथियार बताया जा रहा है आरी, वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है, जिसकी वजह से इस केस का अभी भी और स्ट्रांग होना पुलिस के लिए अभी भी बाकी है। हालांकि आफताब से पूछताछ अभी भी चल रही है कि उसने किस तरीके से इस खौफनाक मर्डर को अंजाम दिया, क्या क्या वो जो उसके मन में क्या कुछ चल रहा था और क्या कुछ चीजें थी जिसकी वजह से उसने जरा भी गुरेज नहीं किया कि श्रद्धा के 35 टुकड़े वो कर दे और 18 दिनों तक वो उसे फेंकता रहे। 300 लीटर का उसने फ्रिज खरीदा था और काफी दिनों तक उसने उन टुकड़ों को वहां पर फ्रिज में रखा भी हुआ था। तो इस खौफनाक मर्डर के बाद लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब स्मृति ईरानी का भी ये रिएक्शन आपको हमने बताया। VK News, राष्ट्र के नाम।